दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, आ चंदा के पैसा से जल पान करिए। लालू यादव इन चंदा चोरों को बहुत पहले से जानते थे। अब ये चंदा चोर कौन है, खबर तो आ ही गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता है, वो ट्रस्ट जिसे राम मंदिर का निर्माण करना है, उसके जो कर्ता धर्ता है, वो 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के भीतर 18 करोड़ में खरीदते हैं, तो सवाल है कि 16 करोड़ रुपया किसके खाते में जा रहा है। ये यूपी के एक नेता है, पूर्व मंत्री है पवन पांडे, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो राज्यसभा में सांसद है, उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। ये डॉक्यूमेंट है, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ क्लिप्स है, वो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक एक करके बताना चाहता हूँ। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5,80,00,000 रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी, गाटा संख्या 243, 244, 246, और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने, एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर, 7:10 पे 5,80,00,000 की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए RTGS कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए RTGS कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बयानामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बयानामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बयानामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूँ आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। तो देखा आपने कि 10 मिनट में एक जमीन जो 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में मिस्टर ए से मिस्टर बी ने खरीदी, उसी जमीन को मिस्टर बी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता माननीय चंपत राय जी ने 9 गुना ज़्यादा दाम, मतलब 18 करोड़ रुपए में खरीदा। कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जमीन लगभग 67 एकड़ जो जमीन है, वो राम जन्मभूमि के लिए जिस पर विवाद था, केस चल रहा था, वो तो मिल ही गया कि यहाँ मंदिर बनेगा।
लेकिन ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि आसपास की कुछ जमीनें जो किसी इंडिविजुअल के नाम से है वो भी ले ली जाए ताकि मंदिर प्रांगण को बड़ा किया जा सके, परिसर को बड़ा किया जा सके। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, लोग जाएंगे, काफ़ी कुछ वहाँ बनेगा, भीड़ भाड़ भी होगी, तो परिसर बड़ा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, वहाँ काफ़ी खुली जगह हो, इसमें क्या हर्ज है, ये विचार अच्छा है। लेकिन जिस पाठक फैमिली से जिसकी ये जमीन थी, उस पाठक फैमिली ने सीधे सीधे ट्रस्ट को जमीन देने की जगह इस सुल्तान अंसारी और एक मिस्टर तिवारी, इनको जमीन क्यों बेची 2 करोड़ रुपए में 5:05 पर, और वही जमीन 5:15 पर सुल्तान अंसारी और मिस्टर तिवारी ने ट्रस्ट के नाम से क्यों बेच दी चंपत राय जी, जिसके मतलब ऑल इन ऑल है, वो जमीन खरीदी वहां से 2 करोड़ में, यहां 18 करोड़ में बेची क्यों? ट्रस्ट चाहता तो सीधे 2 करोड़ में उस पाठक फैमिली से वो जमीन ले सकता था, ये क्या माजरा है? ये 16 करोड़ रुपए का हेर फेर क्या है? ये सुल्तान अंसारी कौन है? उसका चंपत राय और इस ट्रस्ट से क्या कनेक्शन है? वो 16 करोड़ रुपए में उसको क्यों दिया गया? उस पर ये उपकार क्यों किया गया सुल्तान अंसारी पर? तो ये कुछ सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जांच होगी नहीं होगी, भगवान जाने। लेकिन इस देश में कभी अनुमान के आधार पर घोटाले हुआ करते थे। सीए जी एक अनुमान लगाता था और वो सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होता था, 2G घोटाला जो कोर्ट से साबित नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ रुपए कोयला घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला जमीन में ही रहा, घोटाला हो गया। हालांकि वो घोटाला था, वो घोटाला भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, अनैतिक आचरण, फेवरेटिज्म का क्लासिकल उदाहरण है। तो अब क्या हो रहा है? वो भी श्री राम के नाम पर, वो भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट्स के नाम पर। 90 के दशक में 1 रुपया 1 ईंट, आज की पीढ़ी को शायद ये नारा याद न हो, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग का ये नारा था पूरे हिंदुस्तान में, खास करके हिंदी पट्टी में, ये लोग घूम घूम कर घर घर से 1 रुपया और 1 ईंट मांगते थे। उस वक्त कितना पैसा जमा हुआ, उस पर खुद विहिप के धरों के बीच लड़ाई हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, एक धरे ने दूसरे पे आरोप लगाया कि पैसे का हिसाब नहीं है, पैसा खा गया। आज समय ये लगभग 30 साल पहले की बात है। इस वक्त जब घर घर से कोरोना, पिछले 1 साल में कोरोना के महामारी के बीच घर घर से लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, उस चंदे के पैसे का अगर इस तरह से इस्तेमाल अभी ही हो रहा है शुरू में, जबकि अभी सिर्फ नींव डाली गई है मंदिर की, और अभी ही 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी जा रही है, तो आगे क्या होगा? आगे जो 1,000 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट के पास जमा है या अभी और जमा होंगे, उस पैसे का क्या होगा? इसकी गारंटी कुछ नहीं है और नहीं जवाबदेही है, क्योंकि हालांकि एक बात इसमें ज़रूर है, क्योंकि ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी भी है कि इस मामले की का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराए और बिल्कुल अपने सुपरविजन में जांच कराए, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल यहाँ राम के नाम का भी है, सवाल यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के भावनाओं का भी है।
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस बात की जांच कराए कि चंपत राय और इस सुल्तान अंसारी के बीच क्या कनेक्शन है। 2 करोड़ और 18 करोड़ के बीच जो 16 करोड़ रुपए बचता है वो किसके खाते में जा रहा है, सिर्फ सुल्तान अंसारी और जो एक तिवारी है उसके खाते में या कहीं और भी? और अगर सिर्फ सुल्तान अंसारी के ही खाते में जा रहा है तो उस पर ये उपकार क्यों किया जा रहा है, ये भी इस देश के हिंदुओं को जानना चाहिए। राम के नाम पर जिस देश में सब कुछ एक किनारे कर दिया जाता है, जिस महामारी में कोरोना में ऑक्सीजन प्लांट भले न लगे, जिस देश का प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट लगता है या नहीं लगता है इसका इंस्पेक्शन भले न करें, अस्पताल बनता है नहीं बनता है इसकी चिंता भले न करें, लेकिन वो कहते हैं कि भदवारी में भादो था शायद उस वक्त जाकर अयोध्या में मंदिर की नींव डालते हैं, नींव की ईंट डालते हैं। कम से कम उन प्रधानमंत्री को भी इस पर मुखर होना चाहिए। धन्यवाद।